आज हम लोग ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हाय गाइस, यू आर ऑन स्माइल आईएएस यूट्यूब चैनल। आवर टैगलाइन इज वीर भोगी वसुंधरा, मींस दोज हु आर हार्ड वर्किंग एंड एंबिशियस, दे कैन अचीव एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट इन देयर लाइफ। ब्रह्मोस इज ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप्ड जॉइंटली बाय इंडिया एंड रशिया। ओके, जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया। द नेम ब्रह्मोस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिवर। ओके, फर्स्ट रिवर इज इंडियाज ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड मोस्क्वा रिवर इन रशिया। ओके, द मिसाइल हैज ए रेंज ऑफ अराउंड 300 किलोमीटर एंड कैन कैरी वार हेड ऑफ अप टू 300 केजी। ओके, ये आप सुपरसोनिक वर्ड देख रहे हो। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्चुअली ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये जो ब्रह्मोस इसका नाम बना है, ये फर्स्ट फोर वर्ड इज ब्रह्मपुत्र नदी से लिया गया एंड लास्ट थर्ड वर्ड इज टेकन फ्रॉम द रशियन रिवर मोस्क्वा। ओके, ये इंडिया और रशिया के जॉइंटली डेवलप किया गया है। ओके, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल स्पीड हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये स्पीड ऑफ साउंड है। ओके, ये स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 1 मैक है। उससे इधर आप आओगे, ट्रांससोनिक हो गया, सबसोनिक हो गया। स्पीड ऑफ साउंड से भी ऊपर जाओगे तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक, होता है 1.2 to 5 मैक होता है। ओके, ये होता है। उससे ऊपर जाएंगे तो हाइपरसोनिक होता है। एक्चुअली इधर साउंड स्पीड ऑफ साउंड से ऊपर जैसे आती है, यहाँ इन सब मिसाइलों को क्या होता है, इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होता क्योंकि इनका स्पीड इतना तेज होता है। किया जा सकता है, बट जैसे आपने अभी भी कई मिसाइल आप देख रहे हो, जैसे जैसे चाइना हो गया और यूएसए हो गए, हाइपरसोनिक मिसाइलों पर टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, तो हम आते हैं अपने पुराने टॉपिक के। ये ब्रह्मोस मिसाइल इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड विद द स्पीक मैक 2.823, मीन्स ये सुपरसोनिक हो गया, विच इज अराउंड द 3 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एंड इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम द लैंड सी एंड एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म मेकिंग इट वे वर्सटाइल वेपन सिस्टम। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, कहीं पे मैंने देखा था तो उसमें इसका टेस्टिंग किया जा रहा था, एयर जैसे इसको फाइटर जेट रूट में उसमें टेस्टिंग किया जा रहा था। ये जब शुरू में बनाया गया था तो सिर्फ वो लैंड बेस्ड था, फिर उसके बाद उसको और इम्प्रूव करके नेवी और इसमें और भी उसको किया गया। ओके, ये जब बनाया गया था, यहाँ पे आप देख रहे हो, जब भी बनाया गया था उस समय ये वन ऑफ द फास्टेस्ट था। अभी नहीं, अभी तो ढेर सारे हो गए। ओके, जब ये स्टार्ट किया गया था। ओके, द मिसाइल इज कैपेबल ऑफ इंगेजिंग ए वेराइटी ऑफ टारगेट इंक्लूडिंग शिप, ग्राउंड टारगेट, एयरक्राफ्ट। इट हैज सक्सेसफुली टेस्टेड सेवरल टाइम एंड इज करेंटली इन सर्विस विद द इंडियन आर्म फोर्स। ओके, एक्चुअली यहाँ पे क्रूज मिसाइल है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पे नहीं करना होता। जैसे क्रूज बैलिस्टिक जो मिसाइल होता है उसको, वो बहुत हाइट पे जाते हैं अपने टारगेट को, बहुत हाइट से होके जाते हैं, और ये बहुत हाइट से उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। ए हाइपरसोनिक वर्जन ऑफ मिसाइल ब्रह्मोस 2 इज प्रेजेंटली अंडर द डेवलपमेंट विद द स्पीड ऑफ मैक 7 to 8। ये हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, 7 to 8 means hypersonic. Boost the real fast strike capability. It is was expected to be ready by for testing by 2024. It means hypersonic missile. ये hypersonic missile. Okay, BrahMos जो develop किया जा रहा है. It is a 2-stage solid propellant engine in the first stage and liquid ramjet. इंजन इन द रैमजेट इन द सेकेंड इन सेकेंड। ओके, मिसाइल जो 2-स्टेज मिसाइल है, रैमजेट एक प्रकार का जेट इंजन होता है। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट होता है, हम इस पर भी डिस्कस, इस पर एक अलग टॉपिक बता के करेंगे। ओके,
इट ऑपरेट ऑन द फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, मीन्स अगर आप एक बार फायर कर दिए तो वो आपके कंट्रोल में उसके बाद नहीं है, ये अपने आप ही वहां पे पहुंच जाएगा. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.